कभी कभी ऐसी दीवार बन जाते हैं जिनमें कोई रास्ता मिलता नहीं है, कोई दरवाजा नहीं मिलता। अभी तुम मेरे साए तक नहीं पहुंचे, लेकिन मैं धूप की आवाज सुन सकती हूँ। काश इससे पहले मैं अपनी छत के नीचे चली जाती। मैंने तो मीठे फूलों के बीच घूमे थे, फिर फंसे के कर फूलों के ऊपर क्यों? मरिया जिम, तुम्हारी फसल से क्या बात हुई? तुम क्या हो? सोच रही थी तुम्हारी रुखसती की बात करो उसकी अम्मी से, जितनी देर होगी लोग उतनी ही बातें करेंगे। मेरी बात हुई थी कैसे से, मेरे आंटी की तबीयत जैसी नॉर्मल होगी वो मुझे आके ले जाएगा। जी मजबूरी है हमारी भी, उनके घर का मामला ऐसा है कि इंसान जोर दे के बात ही नहीं कर सकता। हम ज्यादा ना सोचें, सब ठीक हो जाए। कुछ से नहीं होगा मरियम, हम चुप रहे तो बात लंबी से लंबी होती जाए। देखिए आप आंटी से बात करके। हाँ यही सोच रही हूँ, तुम्हें सादगी से रुखसत कर दूँ। सबको पता तो है कि तुम्हारी शादी हो गई, कोई मुनासिब वक्त देख के चली जाऊंगी मैं उनके पास। से बात करके देखना। नहीं इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूछना तो उसने अपनी अम्मी से ही है, तो क्यों ना सीधा उनकी अम्मी से ही बात कर लो। तुम्हारा फर्ज अदा हो जाए तो रबाब का भी कुछ सोचो, उसके रिश्ते आ रहे हैं इधर उधर से। तो मेरी वजह से तो ना रोके ना, मेरा तो सब हो चुका है। और ये टेम्परेरी सा फेज है, ये गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जब गुजर जाएगा तभी रबाब की बात आगे बढ़ जाएगी। बड़ी घर में बैठी हो और छोटी की तैयारियां कर रहे हो, लोग सो सो बातें करते हैं। इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ टन। ये रहा आपके लिए गर्मा गर्म अंडा, आप शुरू करें जल्दी। अरे जूस भूल गया, एक मिनट। फ्रेश जूस, अभी शुरू करें ना, ठंडा हो रहा है। क्या खाऊं, मेरी तो भूख ही खत्म हो गई। कोई भूख खत्म नहीं हुई। ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। और अम्मी अब आप खुद को मसरूफ करें आराम में, आपको पता है आराम करना ना बाकायदा एक काम है, उसको करने के लिए दिन भर के सारे काम खत्म करने पड़ते हैं, तब जाके इंसान को मौका मिलता है आराम करने का। मैं खुद को मसरूफ रखने की कितनी भी कोशिश करूं लेकिन तुम्हारे अब्बा का ख्याल मेरे जहन से निकलता ही नहीं। अब्बू के जाने का दुख हम सब का बराबर है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि वो हम में नहीं है, वो जा चुके हैं। और यही तरीका है खुदा का, जिंदगी इसी तरह मौत से चलती है। अगर मौत ना होती ना तो जिंदगी से ज्यादा खौफनाक चीज कोई नहीं होती। एक मशवरा दूं आपको, आप ना हरीम भाभी को लिए सादगी से, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? निकाह वाले दिन तुम्हारे अब्बू हमें छोड़कर चले गए और लोग क्या कहेंगे कि अब हम रुखसतियां करते फिर रहे। कौन लोग,